गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मौसमी पर। मेरा नाम है पम्मी और गाइस आपको याद होगा कि इस वाले चैनल के ऊपर बहुत टाइम पहले हमने एक वीडियो बना के रखी थी जो कि है ये री और व्हाट 2 मिलियन व्यूज इस वीडियो के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अगर रियल लाइफ चीजें जैसे कि रियल लाइफ काओ अगर माइनक्राफ्ट के अंदर होगी तो वो कैसे दिखेगी, रियल लाइफ फिगीज अगर माइनक्राफ्ट के अंदर होंगे तो कैसे दिखेंगे। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि अगर रियल लाइफ हीरो ब्राइन अगर माइनक्राफ्ट के अंदर रियल लाइफ हीरो ब्राइन आएगा तो वो कैसे दिखेगा। तो आज हम वही चेकआउट करेंगे और आगे बढ़ने से पहले लाइक कर 100,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ये क्रिंज वाला फेस बना बना के मैं तंग आ चुका हूँ, मेरे को ये क्रिंजी चीजें नहीं करनी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो नहीं तो ये नौटंकी चलती रहेगी। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहली वीडियो आ रही है जेक फेल्मन की और ये हमें दिखाएगा कि हीरो ब्राइन अगर रियल माइनक्राफ्ट के अंदर घुसे तो कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर मेरे को दो ऑप्शन देकर रखे हैं, डायमंड या हीरो ब्राइन। थू हीरो ब्राइन कौन चूज करेगा भाई, हम तो डायमंड लेंगे, भले ही हीरो ब्राइन माइनक्राफ्ट का चाचा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा डायमंड चाहिए होते हैं मेरे को। आई थिंक ये बंदा भी सबसे पहले डायमंड ही लेगा और ये हीरो बन के उसने गिरा दिया और व्हाट, अरे इसको कौन कौन से डायमंड से मिल जाके मार रहा है और कौन कौन सी, ये वाली पोर्टल माइनक्राफ्ट के अंदर थी भी नहीं और ये देखो पार्कोरिंग के पार्कोरिंग हो रही है, मतलब कि इस प्लेयर का बचने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है भाई, घुमा फिरा के उसको गिरा के बचा के फिर से गिरा के बचा के फिर से उसको मार रहा है भाई। बेसिकली हीरो बन से पंगा मत लेना, वो आपको गिराएगा फिर बचाएगा फिर गिरने वाले होगी फिर पानी लगा देगा फिर गिराएगा फिर बचाएगा फिर मार देगा, ये तो वही बात होगी ना कि आप बीमार हो अस्पताल के अंदर गए डॉक्टर ने आपको ठीक किया और फिर से मार दिया। तो यार हीरो ब्राइन डोंट मेस विद हिम। और हमारे आज का कंटेंट सप्लायर है स्टीव, तो यार स्टीव थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे अपने लिए एक नया वर्ल्ड बनाना होगा यहाँ पर और इस वर्ल्ड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये है मेरा हार्डकोर वाला वर्ल्ड, ऑब्वियसली आप लोग इसकी वीडियोस देख रहे होंगे। तो हम इस वर्ल्ड का नाम देंगे बवंडर, ठीक है ना। तो बवंडर हम खेलेंगे यहाँ पर क्रिएटिव मोड में और मैं आपको दिखाऊंगा कि रियल लाइफ माइनक्राफ्ट और अपनी माइनक्राफ्ट में जमीन और आसमान और आरटीएक्स का फर्क है। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा कि भाई वो आरटीएक्स में खेलते हैं लेकिन आरटीएक्स के अंदर खेलने के बावजूद भी फैंस की ये चीज मेरे को दिखने को नहीं मिलती। तो स्टीव यहाँ पर अपने एक छोटा सा घर बना रहा है, पानी के बकेट से उठाई और फटाक से दीवार के ऊपर मारी। तुम लोग देख रहे हो ना, नहीं दरवाजा, अरे यार साला माइनक्राफ्ट के अंदर दरवाजा खोलोगे तो पानी बाहर भी नहीं आएगा। तो ये अभी मेरे को चेकआउट कर रहा है कि माइनक्राफ्ट में एक्चुअली कैसे दिखता है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ से निकालने होंगे बहुत सारे प्लैंक, टाक 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 और स्टीन ने लगाया था एक डोर, तो काम करते हम भी एक ही डोर लगाएंगे, इसको यहाँ से रखो इसको यहाँ पे रखो एंड अभी आती है पानी की बारी यार, फटाक से चोमू पानी, देख रहे हो इतना पानी, अपना पानी यहाँ पर आता भी नहीं है। तो अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो अभी इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, तो अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो इसकी पानी बार ही नहीं आ रहा, अगर मैं एक ब्लॉक पानी अगर यहाँ दरवाजे के पास भी डालू ना तब भी बाहर नहीं आ रहा और अपनी रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट के अंदर कितना मस्त दिख रहा मेरे को यार, प्लीज मेरे को ये वाली चीज चाहिए। और अभी आता है पानी के अंदर टीएनटी, यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वाला कुआ बना हुआ है, अब ऑब्वियसली मैकेनिक्स के अनुसार ही सारा पानी बाहर आ जाएगा। ओ अभी क्या कर रहा है, अभी लगता है पूरा पानी ऊपर जाएगा, ब्रो ये डेंजरस होगा अनार बम की तरह, और रे एकदम सैटिस्फाइंग लग रहा मेरे को यहाँ पर। हेलो विलेजर जी कैसे हो भाई साहब, अरे वाह तुम्हारे पास गोलम भी है और इनका टाउन देखा गाइस एकदम अकेशा बायम के अंदर, बहुत जबरदस्त लग रहा है। तो अभी अगर मैं ये यहाँ पर इनके सामने अगर ये पानी के अंदर टीएनटी रखूंगा ना तो सारे मेरे साथ और इनका गोलम मेरे साथ आग की तरह चमक जाएगा। तो काम करते फटाफट से, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ टाइम सेट नाइट और सोने का टाइम हो चुका, चलो 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 गुड नाइट। हाँ खा पप्पू के पापा खाना खा लिया ना, सबने खाना खा लिया, चलो सो जाओ, वो देखो शिल्पा की मम्मी भी सो रही है, सारे सो जाओ गुड नाइट, या हाँ कल मिलते हैं गुड नाइट। सबसे पहले टीएनटी निकाल के मुझे गोलम को मारना क्योंकि ये बहुत खबरची बनता है, सुबह उठते ही चीफ को बता देगा कि यहाँ पर हमने बहुत बड़ा टीएनटी फोड़ा था। हेलो चाचू सोना नहीं है क्या तेरे को, हेलो नीनी पानी नहीं है तेरे को, पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं, इतना मैं तेरे लिए यहाँ पर बैठ रखता हूँ, ये लगता है आई थिंक बैठ खत्म हो चुकी होंगी, आजा मर ले यहाँ पर भाई, ध्यान से उसके ऊपर तू कहाँ छलांगे मार रहा है, दोनों नमून नहीं है तो यार दोनों जाएंगे। अबे टीएनटी के ऊपर मत चढ़ बेवकूफ बंदे, वो खिलौना नहीं है। और साथ के साथ गाइस घर भी टूट गया और गोलम जा रहा है उसको बचाने के लिए, और ये भाई साहब भाई तेरे अंदर कितनी जान है, तूने कुछ नहीं देखा। इससे पहले कि गाइस ये पुलिस स्टेशन के अंदर खबर लिखवाने जाए इसको यहीं पर ढेर कर देते हैं, मर जाइए मेरे भाई मर जाइयो।
फाइनली गया, मेरे को लगा था कि ये अब भी बच जाएगा। तो गाइस सारे गांव वाले सो चुके हैं, हमने एक गांव वाले को कितनी नीचे कितनी सुरंग खोद कर रखी है लोगों ने मोटी मोटी, पर एनीवेज हमने एक गांव वाले को भी यहां पर नहीं मारा। और सुबह उठने से पहले मेरे को ये चीज टेस्ट करनी है, तो अगर मैं यहां पर टीएनटी मार के देखूं एंड फायर, मेरे को भी रियलिस्टिक ग्राफिक्स दिखा दे, क्या लॉजिक क्या था, कुछ फटा भी नहीं यहां पर। और अगर मैं यहां पर इनकी वीडियो देखूं तो भाई क्या आनंद आ रहा है यार। और ये देखो गाइस पूरा पानी फैल भी रहा है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। ये चीज देख के मेरे को एक्चुअली में प्यास लग रही है। और देखो और पानी आ गया, कम ऑन, ओ माय गॉड भाई। मैं पहले ढक्कन बंद कर लेता हूँ गिर ना जाए। आई डोंट थिंक कि रियल लाइफ में भी ऐसी चीज होती होगी। भाई तू कैसे कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे गाइस सर जी हमारे टेस्ट करने वाले हैं लावा, तो ऑब्वियसली गाइस हमने रियलिस्टिक पानी देख लिया। अभी मेरे को एक्चुअली चेक करना है कि रियलिस्टिक लावा कैसे होगा। होली मूली, और ये कितना मस्त लग रहा है, ये लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे कि बाल्टी भर के हनी किसी ने दीवार के ऊपर फेंक दिया। और अगेन रियल लाइफ में भी लावा या हनी ऐसे नीचे नहीं आएगा जैसे गेम के अंदर आ रहा है। और भाई सब क्या पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पर। मुझे चेकआउट करना है कि यहाँ पर अगर गोलम लावा के अंदर आएगा तो कैसे होगा। अरे वो एक्चुअली वही कर रहा है, लेट्स गो, इसको मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है पता है। तो यहाँ पर लावा मारा और भैंस की आंख गोलम, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे केक के ऊपर किसी ने शहद की बाल्टी खाली कर दी। देखो कितना सैटिस्फाइंग लग रहा है। ऑब्वियसली अंदर लावा के अंदर गोलम मर रहा है, तो ये एक लाइक गोलम के लिए। अभी क्या फर्क पड़ता है, ये साइंस के नाम पर गाइस हमने गोलम को यहाँ पर मार दिया। हेलो, तेरे को साइंस के नाम पर मरना था दुबड़े गोलम, कोई अक्कल है कि नहीं, तेरे को साइंस के नाम पर मरना था। फिर बोलते हैं नासा वाले तो बहुत चालाक हो रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग। और अभी यहाँ पे सर जी देखो कमांड मार रहे हैं जिसके जरिए ये जो है लावा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ओ माय गॉड, लिटरली जैसे लग रहा है कोई चीज एज इन लाइक वो खाने वाला चीज, ठीक है, टॉम एंड जेरी में जो चीज दिखाते हैं वो वाला चीज, ये चीजें नहीं। तो भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज बर्गर के ऊपर मेल्ट हो रहा है। और ये देख के मेरे मुंह के अंदर पानी आ रहा है, भाई मेरे को अभी खाना खाना है। ऑब्वियसली लावा को देख के भूख तो लगनी नहीं, लेकिन ये रियलिस्टिक ग्राफिक्स इतने मस्त है ना कि मेरे को जेन्युइनली भूख लग रही है अब यहाँ पर। ओरे ये पानी वाला मत दिखाया करो, और लिटरली पानी फुल भी हो रहा है, लाइक पानी ऊपर जा रहा था मैंने अभी देखा। अरे ना तो लावा, ओ भाई साहब एकदम रियल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ माइनक्राफ्ट में कैसे दिखता है, ये चोमू ग्राफिक्स अभी देखा है माइनक्राफ्ट के। तो ये रही गाइस हमारी माइनक्राफ्ट। और हेलो गांव वालों, अच्छा सुबह हो गई। हाँ, हमने ये कुएं के साथ कुछ नहीं किया, आपके वो जो सेनापति थे हमने उनको बिल्कुल मारा भी नहीं, आई थिंक वो छुट्टी पर गया इससे पहले कि ये लॉन्डे जो है पुलिस के अंदर रिपोर्ट लिखवाए। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और ठीक हमारे सामने आ चुका लावा और स्टोन भी साथ में पड़ा हुआ। काम करते हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा, इसको यहाँ से लेते हैं और अभी इसके अंदर डालेंगे पानी। और ये देखो चोमू ग्राफिक्स कुछ ये काला धुआं कौन सा होता है पहले मेरे को ये बताओ। और ये देखो पानी लगा भी नहीं ब्लॉक के ऊपर, और यहाँ पर देखा जाए तो एकदम तड़कती फड़कती धुआंधार, ये लिटरली धुआंधार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं मेरे को यहाँ पर। और अभी गाइस आ चुके हैं हमारे दी पुरपुर ब्लॉक, इन ब्लॉक का नाम ही पुरपुर है। और ये पानी वाला मत करा कर, मेरे को भी ये करना है, तू कैसे कर रहा है, कौन सा रिसोर्स पैक तूने लगा के रखा है। अरे क्या खींचा स्पंज ने, अरे लिटरली छोटी छोटी बूंदे आसपास घूम रही है उसकी। ये एक्चुअली ऐसा होता है माइनक्राफ्ट के अंदर क्या। तो गाइस लावा के अंदर मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना कर रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने डाल कर रखा हुआ पानी, तो अभी मेरे को निकालना होगा स्पंज। और अगर मैं स्पंज इसके अंदर रखू तो पानी सोख, पानी ऐसे सोखते हैं नूपड़े, उससे ग्राफिक्स देखे कितने खतरनाक है। और अपने देख, ये देखो ये गायब हो गया, पानी सोख लिया इसने, हो गया डन। एक काम करता हूँ गाइस, ये सारी जगह यहाँ से भर देता हूँ और उसके बीच में रखेंगे स्पंज, छोटी जगह होगी तो उतना उसको सोख करने में मजा भी आएगा हमको देखने में। तो यहाँ पर फिर से मेरे को पानी डालना है बहुत सारा, और अगर मैं बीच में अब स्पंज रखूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या है तेरा, कुछ हुआ भी नहीं। ओके अभी मेरे को चेक करना है कि अगर मैं पिस्टन इसके ऊपर मारता हूँ तो क्या इसके अंदर से पानी वापस लीक होगा कि नहीं होगा। तो एक लीवर भी यहाँ से निकाल लेते हैं और ये वाला पिस्टन हम रखेंगे बिल्कुल यहाँ पर। और आप देख रहे हो गाइस कि ऑलरेडी ये स्पंज के अंदर से पानी एकदम से बाहर आ रहा है, उसके ऊपर रखेंगे लिवर एंड फटाक। कुछ तुम लोगों को शर्म है, ऑब्वियसली अगर मैं उसको धक्का मार रहा हूँ एक बेसिक उसके अगर मैं निचोड़ रहा हूँ तो पानी तो बाहर आना चाहिए ना यार। What? No way!
ओ माय गॉड, जैसे किसी ने दूध की बाल्टी ऊपर से गिरा दी हो, इतना रियलिस्टिक लग रहा है भाई। मेरे को भी ये करके देना, तू कैसे कर रहा है यार, ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। पार्टिकल्स देख रहे हो, कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे कोई नमक को मतलब की गोल गोल करके किसी के ऊपर फेंक रहा है और नमक के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ऑब्वियसली बर्फ के मैकेनिक ऐसे होने चाहिए। माइनक्राफ्ट के अंदर दिखाता, माइनक्राफ्ट के अंदर कौन सा मैकेनिक है यहाँ पर। तो ये निकाली मैंने यहाँ से बर्फ एंड पार्टी, ये देख रहे हो चार पार्टिकल उसके अंदर से निकल रहे हैं, वो भी चार। और अभी आती है हमारी दी एमएलजी, वो भी रियलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ। अरे क्या मस्त लग रहा है यार ये मेरे को। ओके, अभी बर्फीली एमएलजी। और यार ये बर्फ वाले पार्टिकल्स देख रहे हो, छोटे छोटे उसने एक्चुअली बना के रखे हैं और रियलिस्टिक लग रहे हैं। ऊपर से बर्फ वाली एमएलजी, मेरी बेस्ट एमएलजी अब से यही है, बर्फीली एमएलजी इज दी बेस्ट एमएलजी। स्लाइम, होली मूली, अरे मेरे को जेली लग रही है भाई। ऐसा लग रहा है कि मैं इसे उठा के भी खा जाऊं। एक काम करते हैं, माइनक्राफ्ट के अंदर देखते हैं कि एक्चुअली होता कैसे है ये। एक यहां पर इसको पूरा भर देंगे स्लाइम बॉल्स के साथ और साथ में जाएगा लिवर एंड पट। अबे कोई इफेक्ट दिखा, ये मुंह बना कर रखा है, ये देखो आंखें और ये मुंह, स्माइली फेस बना रहे हैं यार माइनक्राफ्ट के अंदर यार ये। और यहाँ पर देखो कितना फर्क है, फैंसों के अंदर से स्लाइम बार आ रहा है और माइनक्राफ्ट के अंदर फैंसों के अंदर से बंदा बाहर नहीं आ सकता। और ये देखो, और सुनामी आ चुकी है, वो भी स्लाइम की। नीचे, अच्छा नीचे भी आ रहा है, माइनक्राफ्ट के अंदर कभी नीचे नहीं आएगा क्योंकि वहां पर लैडर लगी हुई है। अरे यार अभी दरवाजा खोल, मेरे को दरवाजा खोल के दिखा प्लीज प्लीज प्लीज। Oh my God, यार प्लीज माइनक्राफ्ट वालों मेरे को करके दो यार, सबको देखना कितना रियलिस्टिक लग रहा है यार ये सीन। तो यहाँ पर अभी मेरे को चेकआउट करना है कि रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट के अंदर बिल्डिंग्स टूटेंगी कैसे। एक्चुअली मैं टेस्ट कर चुका हूँ लेकिन वो एक टोटली सेपरेट गेम थी, माइनक्राफ्ट नहीं थी, ये माइनक्राफ्ट लग रही है। ओ भाई क्या गिरा ये, एकदम ढेर हो गया वहां पर, एकदम लिटरली ढेर हो गया। और माइनक्राफ्ट के अंदर ब्लॉक्स हवा के अंदर लटके होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, वो फिजिक्स माइनक्राफ्ट के अंदर है ही नहीं। अब देखना फिर से गिरेगा, और रे यार ऊपर उछल के ढेर हो गया यार ये वाला ब्लॉक तो। और अभी याद है गाइस इनका छोटा सा कैसल, इनको मारा टीएनटी के साथ, ये भी उछल कर फ्लैट हो जाएगा। और नीचे से बाहर आ गया यार ये तो। लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने अभी नोटिस की, इनके शीशे नहीं टूटे, एक्सप्लोजन हेलो वो उड़ के अपने आप गिर गया। आई थिंक वो थोड़ा लेट इफेक्ट वहां पर पहुंचा होगा, तो यहां पर भी ग्लिच हो रहा है। कम ऑन, शीशे टूटने चाहिए, ऐसे शीशे गिरे तो मजा आए ना। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट से 500 गुना बेहतर लग रहा है ये। तो चलिए गाइस छोटी सी वीडियो में इतना काफी था, मेरे को तो बहुत मजा आया। अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।